नमस्कार, कवि सम्मेलन सोनोटेक के अगले कार्यक्रम में जोड़ी नंबर वन कवि युगल के अगले कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मैं सचिन शालीन और हम आज हमारे साथ उपस्थित हैं अंतरराष्ट्रीय कवित्री बलजीत कौर तन्हा जी और अंतरराष्ट्रीय कवि रसिक गुप्ता जी। उनको बुलाने से पहले मैं दो पंक्तियां रखता हूँ कि दिल फेंक पति का हुआ हाल खराब, मुझसे क्या पूछते हैं, खुद ही देखो जनाब। तो आमंत्रित करते हैं युगल कवि जोड़ी नंबर वन को। हे भगवान, कैसी पत्नी मिली है, मेरा तो मुकद्दर ही फूट गया और कल जो तूने बटन लगाया था फिर टूट गया। मुझे बेवकूफ समझते हो जो ये बहाना बनाकर लाए हो? सच सच बतला दो, किससे जोरा जोरी करके आए हो? अरे बल्लो, जिंदगी किस भागम भाग में पसीने छूट जाते हैं, पैसे बचाने के लिए करते हैं मेट्रो में सफर और धक्का मुक्की में बटन टूट जाते हैं। तुम जैसे मर्द क्या खूबसूरत बहाने बनाते हो, सब जानते हैं हम, जहाँ भी लड़की देखी मेट्रो में सट कर खड़े हो जाते हो। अरे बल्लो, तू तो बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रही है, जितना बोल रहा हूँ प्यार से, लगता है अब तो काम लेना ही पड़ेगा तलवार से। आहा, बड़ी तलवार उठाकर अपनी मर्दानगी दिखाते हो, अरे इतने ही मर्द हो तो सुई धागा उठाकर अपना बटन खुद क्यों नहीं लगाते हो? हे भगवान, इससे तो अच्छा था मैं किसी दर्जी की बेटी को ब्याह लाता और ऐसी औरत की आरती उतारूं जिसे बटन लगाना भी नहीं आता। देखा सचिन, ऐसे ही मर्द हैं जिन्हें हम औरतों का आगे बढ़ना नहीं भाता है। हम जा पहुंचे चांद पर और ये मर्द कहते हैं हमें बटन लगाना नहीं आता है। क्या बात है बल्लो, चांद की बात मत कर, मेरा दिल खिलखिल जाता है और मेरा चांद तो तब निकलता है जब छत पर पड़ोसन का चेहरा नजर आता है। क्या बात है। ये रंगीला रसिया भी क्या खूब इतराता है, इतना भी नहीं जानता हमारा नया किराएदार भी तो मुझे ही देखने छत पर आता है। हाँ हाँ, उस दिन किराएदार से कह रही थी लाइए आपका बटन लगा दूं, दिल तो क्या उसे मकान खाली करा के फौरन भगा दूं। अच्छा, चिढ़ गए कि मैंने उसका बटन लगा दिया, ये भी तो सोचो उसके परफ्यूम की तारीफ करके तुम्हारा मुफ्त में मंगवा दिया। अरे बल्लो, वो बड़ा मक्कार है, भाभी जी कह के हाथ जोड़ता है और तू इतना भी नहीं समझती, वो जानबूझ के बटन तोड़ता है। सही पकड़े हैं, अब भाभी जी कहा है तो भाभी का फर्ज निभाऊंगी, बटन खुद टूटे या वो तोड़ ले, मैं तो भाभी हूँ, बटन जरूर लगाऊंगी। भाड़ में जाओ तुम दोनों, पर ये बता कल मैं ऑफिस में क्या पहनकर जाऊंगा और मर्द होकर अपना बटन क्या खुद लगाऊंगा। अच्छा, क्या वो मर्द नहीं है जो लेडीज टेलर बन जाते हैं, तुमसे अपना कमीज का बटन नहीं लगता, वो तो ब्लाउज के हुक तक लगाते हैं। अरे बल्लो, तू मुझे एक बटन के लिए तरसाती है, अरे एरोप्लेन में तो बटन दबाते ही एयरहोस्टेस दौड़ी आती है। हे रब्बा, अब तो ये रंगीला रसिया कोई ऐसा बटन दबाए जिसे दबाते ही एयरहोस्टेस नहीं 440 वोल्ट का झटका लग जाए। अब तो दुआएं ही बचा सकती है मुझे मेरी माँ की, और खुद क्या कम झटके देती है जो करंट का झटका रह गया बाकी। अच्छा, तो अगला झटका तो ये बल्लो अब दिखाएगी, तुम्हारा ये बटन अब तुम्हारी माँ से लगवाएगी। हे भगवान, भला हो फैशन वालों का जो पेंट में बटन नहीं चेन है, वरना हम पुरुष अपनी किस्मत पर रोते, रोज बटन टूटता, रोज बेइज्जती करवा रहे होते। भाड़ में गई चेन, मैं तो अर्धांगनी हूँ, बस आधा फर्ज निभाऊंगी, कल बटन मैंने लगाया था, आज बटन तुमसे लगवाऊंगी। सब कहते हैं कि औरत पुरुष की छाया है, पर भाई साहब सच सच बताओ क्या आपकी पत्नी ने कभी आपसे बटन लगवाया है? अच्छा भाई साहब, क्या सोनाटेक चैनल के आगे सबको बताएंगे? अरे तुम बटन की बात कर रहे हो, घर जाकर भाई साहब पत्नी के पांव भी दबाएंगे। सबके घर का यही हाल है बल्लो, मुझे देख कितना बड़ा कवि हूँ, कितने बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाता हूँ, लेकिन बटन लगाने के नाम पर घर में चूहा बन के दुबक जाता हूँ। तुम्हारे जैसे तो सो चूहों को मैं बिल्ली बनकर भगा देती हूँ, पर कह रहे हो अब सोनाटेक वालों के सामने, तो लाओ दे दो कमीज, मैं बटन ही लगा देती हूँ। बटन तो लगा दे बल्लो, लेकिन जरा ध्यान से, पिछली बार सुई घुसा दी थी, छुट्टी लेनी पड़ी थी दुकान से। तो मर्द जब तुम जैसे हो तो फिर त्रिया चरित्र की शक्ति दिखानी होती है, और शॉपिंग कराने के लिए छुट्टी तो तुम लेते नहीं, इसलिए सुई ही चुभानी होती है। अरे देख लो भाई साहब, ये बल्लो मेरी सारी तनख्वाह तो शॉपिंग में उड़ाती है और एक बटन लगाने में इतने नखरे दिखाती है। सच सच बता दूं, वो इंसान जो हफ्ते में एक दिन सिर्फ साबुन से नहाता है, अब आप ही बताइए भला क्या खा के अपनी बीवी को शॉपिंग करवाता है।
अरे बल्लो, तेरी शॉपिंग के लिए तो पैसे बचाता हूँ, इसीलिए पुरानी शर्ट में बटन लगा के काम चलाता हूँ। हाँ, ये तो सच कहा, बहुत ही पसंद तुमको अपनी माया है। जिस कमीज में बटन लगवा रहे हो उसे 10 बार रफू करवा चुकी हूँ और 70 बार मैंने बटन लगाया है। अरे बल्लो, तू एक बटन लगाने में इतना एठी है, वो सामने देख, वो जीन्स वाली लड़की मेरा बटन लगाने के लिए तैयार बैठी है। अच्छा, तो उस जीन्स वाली पे आ गया है प्यार, वहाँ हो रही है आंखें चार। चलो, तुम्हारा ये किस्सा अभी खत्म कराऊंगी और आज ही चलो चांदनी चौक, तुम्हें नई कमीज दिलवाऊंगी। देखा भाई साहब, मेरा तीर निशाने पर लग गया, मुझे नई शर्ट मिलेगी, मेरा सोया नसीब जग गया। ये मर्द भी क्या खूब है, क्या खूब इतराता है, इतना भी नहीं जानता कि जब मैं चांदनी चौक जाऊंगी, इसे एक कमीज दिलवाऊंगी और वहां साड़ियों की दुकान होगी, कुर्तियों की दुकान होगी, अपने कपड़े 10 ले आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा दोस्तों, पति अपनी पत्नी से कैसे डरते हैं। और आइए हम सब मिलकर अगले एपिसोड का इंतजार करते हैं, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। टेक केयर।